जापान मान तो मैं लेके आ गया हूँ स्वाति तुम्हें सूरत में। तो गाइज ये होटल में आ चुके हैं और आपको थोड़ा सा सिनेमेटिक सीन में अपना पूरा रूम टूर दे देता हूँ। तो एंट्री और ये आ गए, ये है हमारा मिरर, उसके बाद ये है वॉशरूम, ये जाओ वॉशरूम जाओ तुम, आप जाओ वॉशरूम जाओ जल्दी जाओ जल्दी। और इसके बाद ये आ जाती है टीवी, उसी के सामने आता है डबल बेड, डबल बेड के बाद ये फ्रिज है, ये अलमारी है और ये है, अरे दीवार दे रखी है, मैंने सोचा कुछ होगा लोकेशन सी होगी, चलो कोई बात नहीं कोई बात। और यहाँ पे स्टडी टेबल है, खाना खा सकते हैं बैठ कर। तो ये है छोटा सा रूम। याद आ रही है तुम्हारी? अच्छा छोटू बच्चा, मेरा छोटू बच्चा। तो स्वाति बाबू से बात कर रही है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो सुबह के 11 बज चुके हैं और आज हमारा है डे टू। तो आज हम क्या करने वाले हैं? अरे क्या बात है, आज तो स्मार्ट लग रही है बेटा मेरी। तो आज हम घूमी घूमी करने वाले हैं, जो काम हम करने आए थे वो हो गया है और अभी डे थ्री भी है। आज आज हम क्या क्या करने वाले हैं? डे थ्री डे फोर, अभी तो हमारा रुकने का है मंडे तक, अभी हम मंडे तक रुकेंगे यार, तो तीन चार दिन है अपने। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं, क्या करने वाले? घूमी घूमी। आज घूमी घूमी करने वाले हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं सूरत में, मैंने सुना यहाँ पे बीच है तो बीच पे जाने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक फेमस मॉल है वीआर मॉल, तो मॉल भी जाने वाले हैं। और एक मूवी भी आई है, तो शायद अगर टाइम बचा तो आज मूवी भी देखेंगे। ठीक है, तो आज सूरत घूम लेते हैं, सूरत पूरा घुमाते भी आपको। चलो चलते हैं, तैयार हो जाते हैं। कैसे लग रहे हैं? फिटिंग यार, मैंने उस दिन नीले पहने तो तुमने भी नीले पहने, मैंने हरा पहन लिया था तुमने मैचिंग मैचिंग। तो चलो जल्दी से जूते पहन लेते हो, निकलते हैं। तो हम रुके हैं होटल ली ग्रैंड में, बहुत ही बढ़िया होटल है, प्रमोशन नहीं कर रहा अपने दिल से बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ अच्छी बतानी चाहिए। तो लिफ्ट में आ गए, निकलते हैं। आओ तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं डुमस बीच में, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब चलते हैं अंदर थोड़ा सा तैरने। तैरने? मैं तो तैरूंगा। तो पानी यहाँ तक आया हुआ है, घोड़े भी है, ऊंट भी है। ओहो वहाँ लहर देखो, लहर लहर के पास चलते हैं। अरे आओ ना साइड से चलते हैं, अंदर नहीं जाएंगे, वो तो मैंने भी वीडियोस देखे थे तुम कह रही हो। ये देखो बारिश का टाइम है, तुमसे मैंने पहले बोला था पानी कितना आगे तक आ जाएगा, तुम कह नहीं कितना ऊपर है, अगर एकदम से ज्यादा ही आगे ना पूरा डूब जाएगा। आप पत्थरों पे चलोगी? पत्थरों पे चला, पत्थरों पे। ये देखिए वो मंदिर भी डूब गया है अंदर, इतना पानी आगे आ गया, नहीं तो लोग वहां तक जाते होंगे मंदिर तक। आप लहर भी देख पा रहे हो? तो सामने से लहर देख रहा हूँ तो बहुत भयंकर लग रही है, ऐसा लग रहा है एकदम से ना आ जाए। ईंटों पे चला साथ, ईंटों पे ए पहाड़ पे। तो हम एक बार थोड़ा सा नीचे उतर के आ गए, ये पानी बस टच कर लो ताकि लगे हम सूरत के पानी बीच को, बस टच करो। अरे हाँ बस सूरत के पानी को छुआ है, चल अब हाँ आइए हम बीच घूम आइए। ये क्या था? क्या हो गया? अभी डर लगने लग गया, जब मैं घर पे बोल रहा था तो तुम कह रही घुमा नहीं सकते, घूम नहीं तो आए हैं, मैंने कहा था बारिश हो रही है मत आओ मत आओ। ये देखो ये बीच में पहाड़ है, इधर भी पानी इधर भी पानी। चल आ जा लहर, वाह हवा बहुत तगड़ी चल रही है।
अच्छा भी सोच लिया करो तुम, दोनों भाई बहन एक जैसे हो तुम। तो आंधी बहुत तेज आ गई है और स्वाति को लग रहा है डर, तो स्वाति वापस लेके जा रही है। दो रील बनाने आई थी बस, बेटा 700 रुपये लगा है, वो लगा। चलो हाँ चलो 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 उतरो बाबू, चलो आराम से। तो उतर रहे हैं, बड़े वैसे पत्थर हैं ये, दम उतरो धीरे से धीरे दम। उतर गए भैया फाइनली, बड़े खतरनाक पत्थर है, पत्थर खतरनाक भुट्टा खा दो भुट्टा। बाबू को प्रॉब्लम होगी, स्वाति कुछ खाई नहीं रही, जो भी कुछ खाती है बाबू को प्रॉब्लम होगी, बाबू को प्रॉब्लम होगी। ये सांड अभी स्वाति के पीछे पड़ गया था। देखो फिर मुड़ रहा स्वाति, इधर 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 ना, आगे बच गई तुम। बैठो मैडम, हनीमून वाला फील तो उधर तो मैं भी बैठूंगा। तो गाइस ये हवेली जो दिख रही है आपको, ये बंद कर रखी है क्योंकि ये डुमस की भूतिया हवेली है, अगर आपको विश्वास नहीं यूट्यूब पर सर्च मार लो। चलो भैया तेज चला लो, मेरे को डर लगने लग गया। ये पूरी हवेली ओहो, तेज चला लो भैया डर लग गया। अरे बनाई थोड़ी, बाद में बनता भूत यहाँ पे, मतलब तो शूट भी होता है, दिन दिन में होता होगा, पर रात को खाली। स्वाति चलोगी? ना। तो आ चुके हैं हम लोग वीआर मॉल, यहाँ का फेमस सूरत का वीआर मॉल है। उससे पहले स्वाति को भूख लग गई, स्वाति बनवा रही है भेलपूरी, 20 रुपए की भेलपूरी बना रही है, 40 रुपए का सामान डलवा लिया है। तो ये खाने की भेलपूरी, उसके बाद चलेंगे मॉल, ठीक है? तो उन्हें 20 रुपए की भेलपूरी में 40 रुपए का सामान डलवा लिया। चलो कैसा लग रही है, चलो अंदर पानी पी। तो अब हम जा रहे हैं वीआर मॉल के अंदर। ओ वैसे सारे मॉल तो एक जैसे होते हैं, लेकिन देखते हैं, घूमा नहीं तो फिर क्या फायदा वीआर मॉल के। हम सूरत के वीआर मॉल में गए, सूरत का सबसे बढ़िया मॉल कह रहे हैं। ये है नाव, अभी चक्रवात आया था ना तो तैर के आ गई होगी। और खड़ी कर लो, चलो अंदर चलते हैं। और सच बात बताऊं तो मेरे को इस मॉल में एम्बियंस वाला फील आ रहा है, एम्बियंस मॉल जैसा लग रहा है मेरे को, लगभग। तो ऊपर जा रहे हैं। स्वाति जल्दी आओ, मुझे ना कुछ चीज पसंद आई है, ये देखो, ये हम लेंगे जब अपना बाबू 5 से 6 महीने का हो जाएगा, उसको बैठा के फिर घुमाया करेंगे, ठीक है? 10,000 का। अरे कोई बात नहीं, बाबू अपना है, पैसा बहुत है, बाप हूं मैं उसका, बाप बाप बाप।